नमस्कार दोस्तों, पौ मिनट एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टोयोटा रेव 4 के बारे में। दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है टोयोटा रेव 4। ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा मोटर्स ने जब से मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की है तब से कंपनी अपने पोर्टफोलियो में मारुति सुजुकी के रीबेस वर्जन को शामिल कर चुकी है। इसमें टोयोटा ग्लांजा और टोयोटा अर्बन क्रूजर का नाम शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में भारतीय बाजार में टोयोटा रूमियन नाम का ट्रेडमार्क बुक करवाया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा के रीबेस वर्जन का खुलासा किया है। माना जा रहा है कि टोयोटा इस एमपीवी को भारतीय बाजार में भी उतार देगी। लेकिन फिलहाल टोयोटा किर्लोस्कर कि एक और एसयूवी के बारे में जानकारी सामने आई है। बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार टोयोटा किर्लोस्कर की मिड साइज एसयूवी टोयोटा रेव 4 को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टोयोटा किर्लोस्कर की इस मिड साइज एसयूवी को काफी लंबे समय के बाद भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। जानकारी के अनुसार टोयोटा रेव 4 को बेंगलोर की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली टोयोटा रेव 4 की सारी रिवील हुई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टोयोटा रेव 4 के एक्सटीरियर से। टेस्टिंग के दौरान देखा गया टेस्ट म्यूल टोयोटा रेव 4 का 5th जनरेशन मॉडल है जिसे कंपनी ने TNGA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर टोयोटा कैमरी को भी बनाया जाता है। इस बैच को पहले भी टोयोटा के हाइब्रिड व्हीकल्स में देखा जा चुका है जिससे माना जा रहा है कि यह कार प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ भारत में लॉन्च की जाएगी। ग्लोबल मार्केट में टोयोटा रेव 4 के पेट्रोल के साथ साथ हाइब्रिड वर्जन को भी उतारा गया है। इस कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें कंपनी की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क, क्रोम डोर हैंडल्स और 5-स्पॉक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस कार के पिछले हिस्से में कार की पूरी चौड़ाई का क्रोम और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप सेट्स मिल जाता है। ऑल ओवर लुक की बात करें तो इस एसयूवी को स्पॉटी और दमदार लुक के साथ इंडियन मार्केट में पेश किया जाएगा। टोयोटा रेव 4 के डायमेंशन की बात करें तो ऊंचाई में आपको 1.69 मीटर, चौड़ाई में 1.85 मीटर और लंबाई में 1.6 मीटर मिल जाएगी। इस एसयूवी में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। वही एसयूवी के व्हील बेस की बात करें तो आपको 2.69 मीटर का व्हील बेस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव 4 में मिलने वाले इंटीरियर की। टोयोटा रेव 4 में आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, मूनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम, 8 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, टच स्क्रीन सैटेलाइट नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे शानदार फीचर्स इस कार में आपको दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव 4 में मिलने वाले इंजन की। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा रेव 4 हाइब्रिड पावरट्रेन से लेस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp का पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की यह एसयूवी कई इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है जिसमें से 2 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा रेव 4 में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव 4 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों टोयोटा रेव 4 को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 30 लाख से 35 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? आपके हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।